हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप सभी की चल रही होगी। तो आज की वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितना पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एग्जाम पैटर्न, सब कुछ बताने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना आप। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, बिहार सचिवालय के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट आई है। बिहार विधानसभा सचिवालय में आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्ट नेम सिक्योरिटी गार्ड के लिए वैकेंसी आई है। पोस्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कैटेगरी वाइज, आइए देख लेते हैं। जनरल के लिए 6 सीट्स रहेगा, EWS के लिए 8 सीट्स, बैकवर्ड कास्ट के लिए 19, आपको EBC के लिए 25, SC के लिए 20 एंड ST के लिए 2 सीट्स रखे गए हैं। सो ओवरऑल ये आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। और टोटल पोस्ट अगर बात करें तो ओवरऑल 80 पोस्ट आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। तो आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 1 जनवरी से। लास्ट डेट टू अप्लाई 21 जनवरी 2024 रहने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 21 जन। जैसा पता है फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है, आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर ही देना, क्योंकि बिहार का जो भी फॉर्म होता है ना, उसका बाद में बहुत ज्यादा सर्वर इशू हो जाता है। इसके लिए समय रहते ही आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा कैटेगरी वाइज। SC ST से लिया जाएगा 180 रुपीज, एंड अदर जो भी है जनरल, OBC, EWS एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट, सबसे लिया जाएगा 675 रुपीज। अब हम लोग चर्चा करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की एज लिमिट क्या होगा। फर्स्ट यू नो दैट कि एज लिमिट आपका एज ऑन 1 जनवरी 2024 के रिगार्डिंग आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। ये मैंने बताया जनरल और EWS के लिए। BC और EBC मेल के लिए 18 to 27 years, मतलब जो BC और EBC कैटेगरी के मेल होंगे 18 से 27 वर्ष के, वो अप्लाई कर सकते हैं। BC और EBC के फीमेल्स के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल एज लिमिट रखा गया है। SC ST मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 इयर्स। तो देख सकते हो कैटेगरी वाइज जो भी एज का लिमिट है मैंने सब आपको बता दिया। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट है, जिन्होंने इंटर पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या उनका परसेंटेज है, आप पास हो अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। पहले स्टेज पे रिटन एग्जाम होती है, सेकेंड स्टेज पे आपकी फिजिकल होगी, थर्ड पे मेडिकल, एंड लास्टली DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी उसमें क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। तो जो एग्जाम होगी ना फ्रेंड्स, वो आपको 100 questions के होंगे। 100 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा। टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर है। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाला है। और सब्जेक्ट वाइज देखें तो मैथ्स के 50 questions 50 मार्क्स के लिए, GK और GS के 50 questions 50 मार्क्स के लिए, और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको जो पेपर में होगा 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए। वैसे तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, आपको पता है कि हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड आई होप कि आप जो ये एग्ज़ाम की पैटर्न है आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो आपका होगा क्या, फिजिकल। तो आइए हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। एट फर्स्ट क्या होगी, हाइट की मेजरमेंट। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए मिनिमम 154.6 सेंटीमीटर। देन होगी चेस्ट की मेजरमेंट, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 76.5 to 81 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर देख सकते हो।
जो भी एक्सपेंशन है मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। उसके बाद क्या होगी आपकी पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट को, वहीं पर 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स को। तो आप फिजिकल जब क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिंपली मेडिकल एंड डीवी होता है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। पहले ही बताया कि आपकी पोस्टिंग बिहार विधानसभा सचिवालय में एज अ सिक्योरिटी गार्ड होगी। सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। और जब आपकी पोस्टिंग होगी तो कुछ सैलरी भी दी जाएगी, तो आइए बता देती हूँ सैलरी क्या मिलेगी। योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी 21,700 रुपीज, 21,700 रुपए से स्टार्टिंग होगी। और हर साल जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, पर्स अलाउंसेस मिलेंगे, उसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 69,100 रुपीज पर मंथ की। सो आई होप कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कुछ डाउट हो, मन में कुछ क्वेरीज हो इस पोस्ट से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों ही का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।